हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष डोबरियाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से गांव में जिसका नाम पोखड़ा है, और पोखड़ा से कुछ दूरी पर ही एक यूनिवर्सिटी बना हुआ है जिसका नाम है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ से हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाएंगे, और हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में खासियत यह है कि यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनकी एडुकेशन बिल्कुल 100% फ्री है। कहीं जाइएगा मत और चलते हैं आपको हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की सैर कराने। और ये सामने पोखड़ा बैंड है, ये वाला जो आप सामने सड़क देख रहे हो, ये कोटद्वार सतपुली पौड़ी और एकेश्वर के लिए जाती है। और ये जो ऊपर सड़क है, ये बैतरो बेदीखाल। और ये ठीक देखिए सामने, ये हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपको दूर से दिखता हुआ। फाइनली पोखड़ा बैंड से 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हम उस स्पॉट में पहुंच चुके हैं जहां से हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। ये देखिए सामने, ये आपको हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा दूर, और यहीं से आपका ये जो नीचे सड़क जा रही है, यहीं से आपका हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता कट जाता है। और हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमें 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है जिसका नाम है डेढ़ गांव। फिर यहीं से डेढ़ गांव में जब हम पहुंचेंगे तो वहीं पे आपको हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स, मेरे लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना आसान था नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो इसलिए मेरे को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। तो मैंने सोचा कि तो मैं उस मेन रोड से ना होते हुए बल्कि एक शॉर्टकट से होते हुए हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाऊंगा, जो कि देवराड़ी गांव से होते हुए वह शॉर्टकट जाता है। और जब हम लोग देवराड़ी गांव की तरफ जा रहे होंगे तो बीच में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, देवराड़ी मंदिर, वो बीच में पड़ेगा हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाते समय। तो वीडियो के बीच में मैं उस देवराड़ी मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, उस देवराड़ी मंदिर की भी मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाऊंगा। और ये सामने देवराड़ी देवी का साइन बोर्ड लगा हुआ है। फ्रेंड्स, पोखड़ा बैंड से 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था जहाँ से अंदर की तरफ सड़क जा रही थी 5 किलोमीटर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि मैं पैदल वॉक में था, कोई सवारी वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाय रोड लंबा ना होते हुए बल्कि शॉर्टकट से होते हुए जाऊं। तो मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि इस बैंड से थोड़ा सा अगर आप आगे चलोगे 600-700 मीटर आगे चलने के बाद आपको एक देवराड़ी गाँव मिलेगा। आप उस देवराड़ी गाँव से होते हुए जाओगे शॉर्टकट तो आप हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। चलते चलते हम देवराड़ी गांव के लिए जो सड़क जाती है, कच्ची सड़क, उसके ठीक सामने खड़े हैं। ये देखिए, ये ठीक सामने आपका देवराड़ी गांव के लिए ले जाएगी सड़क। और इसी स्पॉट से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ पहाड़ का और वेजिटेशन का। ये देखिए सामने, ये एक दूर सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी आती हुई ऊपर की तरफ, ये उसका हॉर्न है, उसकी आवाज़ है। कुछ इस तरीके से यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है पहाड़ों का। तो चलते हैं अब देवराड़ी गांव की तरफ। जी जी ठीक है, माता जी, ठीक है।
ठीक है माता जी, धन्यवाद। और ये कुछ मकान से बने हुए आप देख सकते हो सामने। और ये छोटी सी पुलिया बनी हुई है। और ये सामने ठीक में ये देवराड़ी मंदिर है, और इसी से अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो ये सामने हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी दिखता हुआ, जहाँ की हमें जाना है। ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको, और ये हम आपको देवराड़ी मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं। दीपावली की वजह से इस समय यहाँ पे काम चल रहा है, मंदिर के बाहर पुताई वगैरह चल रही है। चलिए आपको अंदर से मंदिर के दर्शन करा देते हैं। और ये भाई जी हमारे काम करते हैं। हैप्पी दीपावली भाई जी, हैप्पी दीपावली आपको। वाह, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। और यही है देवराड़ी मंदिर। काम चल रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से। और ये सामने नंदी बैल जी की प्रतिमा लगी हुई है, आप मेरे ठीक सामने देखिए, छोटी सी है नंदी बैल जी की प्रतिमा। और यहीं से आपको मैं गर्भगृह के दर्शन करा देता हूँ बाहर से ही। ये सामने यहाँ पे गर्भगृह बनेगा शिव जी का। और मेरे स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर जनवरी तक तैयार हो जाएगा, फिर आप जनवरी को मैं यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और जब आप यहाँ जनवरी आओगे तो जनवरी में ये आपको मंदिर पूरा का पूरा बन के तैयार मिलेगा। और इस मंदिर परिसर के अंदर से ही मैं नज़ारे दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ इस पूरे एरिया के। कुछ इस तरीके से व्यू है, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे स्थान पर इस मंदिर का स्थान का निर्माण हो रहा है। ये देखिए तो फ्रेंड्स, फाइनली देवराड़ी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ओर। और वाकई में ये काफ़ी शॉर्टकट है, बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत शॉर्टकट है ये वाला रूट। अगर हम लोग बाय रोड जाते तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाता वहाँ तक पैदल पैदल जाने में, लेकिन क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से होते हुए जा रहे हैं तो मात्र आप हार्डली
5-10 मिनट में आराम से ऊपर से देवराड़ी गांव से हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी तक आराम से आप 10-15 मिनट में आराम से पहुंच जाओगे। ये सामने मंदिर है देवराड़ी मंदिर, और ठीक यहाँ से नीचे से चलते चलते और हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं। वाकई में जो मैंने डिसीजन लिया था कि देवराड़ी गांव से होते हुए मैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वो काफ़ी सही डिसीजन था और मेरे को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। हार्डली मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ही मैं बिल्कुल ऊपर सड़क से लेकर नीचे तक और नीचे मंदिर के भी दर्शन करते करते यहाँ तक पहुँच गया। और मेरे को यहाँ से मात्र मुश्किल से 1 या 2 मिनट का ही रास्ता, 1-2 मिनट ही लगेंगे अब मेरे को हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पहुँचने में। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो गढ़वाल के, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। मेरे ख्याल से वो हमसे बात ना करें थोड़ा शर्माने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनको दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए, ये यहाँ के गांव के स्थानीय लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और ये घास वगैरह काटते हुए, और ये भी हैं, ये भी घास वगैरह काटते हैं मेहनत से। ये सामने थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको वीडियो में ना दिखाएं। अच्छा, ये आप घास वगैरह किसके लिए? हाँ, अमरूद दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ एक अमरूद जी। ओ एक सेकेंड, और मैं खा के दिखाता हूँ अमरूद कैसा लगता है खाने में। टेस्टी है काफी। यहाँ पे बाग वगैरह की परेशानी नहीं होती? होती है बस। अच्छा, बस ज्यादा नहीं दिखाई देते ना। अच्छा अच्छा, पर दूर दूर ऐसे मतलब उनकी घुराने की आवाज आती है बस। अच्छा, घुराने की आती है ऐसे तो वैसे तो झाड़ियों में होंगे ना। अच्छा, दिखाई कम देते हैं। दिखाई कम देते हैं। अच्छा, रहते तो हैं बाग, बाग वगैरह। और चलते चलते हम लोग ठीक हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब आ चुके हैं। आपको एक सफ़ेद कलर का मंदिर दिख रहा होगा, उसी के ऊपर आपको बिल्डिंग दिख रही होगी। तो चलिए, थोड़ा देर आराम करने के बाद, अमरूद खाने के बाद और पानी पीने के बाद दोबारा से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। जो कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में, वो आप ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस मोबाइल नंबर से कॉल करके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लिंक से दिख रहे होंगे आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से मैं आपको अंदर क्या नहीं दिखा सकता हुई हूँ,
क्योंकि इनके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, पहले परमिशन लेनी होती है तभी आप ये इनके जो बिल्डिंग्स होते हैं बिल्डिंग्स के इंटीरियर पार्ट्स वगैरह को दिखा सकते हो। तो इस वजह से मैंने आपको ऊपर ऊपर से गढ़वाल यूनिवर्सिटी को दिखा दिया, इसके बिल्डिंग्स को दिखा दिया, क्योंकि इस समय छुट्टी हो रखी है, यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है और ऐसा कोई मतलब अधिकारी भी नहीं है जिनसे हम परमिशन लेके इस जगह की वीडियो बना सकूं बिल्कुल अंदर से। ये कुछ जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है ये बिल्कुल मैंने ऊपर से ही दिखाया हुआ है, आप गेट के बाहर बाहर से केवल आकर इस जगह की वीडियो बना सकते हो, या अगर आप देवराड़ी गांव में रहते हो तो आप देवराड़ी गांव से होते हुए भी आकर इस जगह की वीडियो बना सकते हो। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मेरे को अंदर आना बिल्कुल भी इन्होंने अलाउड नहीं किया। तो जब ये यूनिवर्सिटी पूरे प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा जब, तो मैं तब यहाँ पर आकर आराम से आपको ये पूरा का पूरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी अंदर से दिखाऊंगा, यहाँ के हॉस्टल्स, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ के अधिकारी से परमिशन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।